हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंडरिंग श्रेया। रिसेंटली हम लोग गए थे अभी सुंदरबंस। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने उस वीडियो में आप लोगों से प्रॉमिस किया था दैट आई विल बी मेकिंग अ सुंदरबन आइटिनरी वीडियो। तो हियर आई एम प्रेजेंटिंग दैट एंड इस वीडियो को एंड तक देखिए। आप लोगों को पता चलेगा कि व्हाट वाज आवर ट्रिप कॉस्ट, अकोमोडेशन, फिर हम लोग कहाँ रहे थे, देन व्हाट वाज द फूड, फिर रिगार्डिंग द बोट सफारी एक्सेट्रा एंड ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग द बजट एंड द ट्रिप कॉस्ट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। I did my trip with a company called Tour De Sundarbans. Firstly, let me discuss about the itinerary. Day 1, you need to start from Kolkata. कोलकाता में एक पॉइंट है जैसे चौरंगी पॉइंट, तो वहाँ से वो लोग पिकअप करेंगे। मैंने जैसे बताया कि वी डिड द टूर फ्रॉम द कंपनी, सो दे हैव अरेंज्ड एवरीथिंग फ्रॉम अस। यू नीड टू रीच द पिकअप पॉइंट विद इन 8 o'clock। फिर वहाँ से दे विल बी पिकिंग यू अप इन अ कार। फिर कार से वो लोग आप लोगों को लेकर जाएंगे गोदखली तक। तो इसका मतलब कोलकाता से गोदखली तक आप लोग जाएंगे इन अ कार या फिर बस विच इज़ अवेलेबल। सो इट विल टेक अराउंड 3 hours। गोदखली इज़ द लास्ट मोटरेबल रोड इन सुंदरबंस। गोदखली पहुंचने के बाद फिर हम लोग एक पब्लिक फेरी लेके वी वेंट टू द गोसाबा आइलैंड। पब्लिक फेरी में सिर्फ हम लोगों को 15 मिनट ही लगे। गोसाबा आइलैंड जाने के बाद फिर वहां से हम लोगों ने ई रिक्शा किया। फिर ई रिक्शा करके हम लोग गोसाबा आइलैंड के दूसरे तरफ गए। फिर दूसरे तरफ जाने के बाद फिर हम लोगों ने एक दूसरी फेरी पकड़ी। फिर फेरी पकड़ने के बाद वी वेंट टू द फाइनल डेस्टिनेशन दैट वाज आवर इको विलेज। फेरी में लगभग हमें 40 to 45 मिनट्स लगे, नॉट 40 to 45 मिनट्स, 30 मिनट्स जैसे लगे। तो फुल डिस्टेंस में इट विल टेक अराउंड 45 मिनट से 1 hour तक का ही डिस्टेंस है। तो जैसे कोलकाता से गोदखली अब लोगों को लग गया 3 घंटा। फिर यहाँ से गोदखली तक टिल द इको विलेज आपको लगभग 1 घंटे जैसे लग जाएंगे। तो फुल टाइम ड्यूरेशन इज़ 4 घंटा। सो पहुँचने के बाद फिर हम लोग थोड़े फ्रेशन अप हो गए और फ्रेशन अप होने के बाद देन वी हैड आवर लंच। द लंच वाज इररेजिस्टिबली डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मील था एंड वी वर रियली हंग्री। लेकिन ब्रेकफास्ट हम लोगों को उन लोगों ने सर्व किया था एट आवर कार ओनली। सो ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग डायरेक्ट किए थे लंच। लंच एज आई सेड इट वाज डिलीशियस। वहाँ पे हम लोगों को फुल ट्रेडिशनल बंगाली मील मिला था। फॉर वेजिटेरियंस ऑल्सो देर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शन एज बिकॉज वी आर नॉन वेजिटेरियंस। तो फिश, चिकन, एवरी ऑप्शन वॉज अवेलेबल। लंच के बाद फिर हम लोग थोड़ा अपने रूम में जाके वी रेस्टेड फॉर अ वाइल। देन आवर टूर गाइड केम टू अस। फिर उन्होंने बोला दैट वी विल गो फॉर अ विलेज वॉक एंड द विलेज वाज रियली पीसफुल एंड पोल्यूशन फ्री। बहुत ही शांति थी वहाँ पे। फिर आधा 1 घंटे तक हम लोग विलेज वॉक किए। ही शोड अस द हाउ पीपल लिव ओवर देयर, व्हाट इज़ देयर ऑक्यूपेशन, वो लोग वहाँ पे क्या करते हैं एंड हाउ दे सर्वाइव द डे टू डे लाइफ, लाइक विलेज में एक्चुअली लोग वहाँ पे करते क्या है, कैसे रहते हैं, एवरीथिंग। तो विलेज वॉक के बाद फिर अगेन हम लोग अपने रूम में आ गए। देन इवनिंग टाइम वी वर सर्व्ड विद सम चाय एंड पकौड़ा। फिर उसके बाद हम लोग निकले थे हमारे बोट सफारी के लिए। बोट सफारी वाज रियली द हाईलाइट ऑफ द टूर। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई डिड द नाइट बोट सफारी एंड इट वाज रियली लाइक सो पीसफुल एंड ऑल्सो वी स्पॉटेड बायोल्यूमिनेसेंस। ऐसे ही पिच डार्कनेस में वी वर स्टार गेजिंग एंड फिर बोट धीरे धीरे जैसे सुंदरबंस के जंगल की तरफ जा रहा था। एवरीवेयर इट वाज लाइक अ टोटली इनसेन फीलिंग ओवर दैट। जाने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस। सो बोट सफारी 1 घंटे की होती है। बोट सफारी के बाद वी केम बैक, देन वी वर सर्व डिनर। फिर डिनर के बाद वी रिटायर्ड फॉर द डे। सो दिस वाज द प्लान फॉर day 1, नथिंग मच, थोड़ा हल्का ही रखा है हम लोगों ने। देन day 2, द मेन डे स्टार्ट्स। day 2 स्टार्ट्स क्वाइट अर्ली। हम लोग सुबह 6:30 बजे उठ गए थे। फिर उठ के वी हैड सम टी और उसके बाद हम लोग निकले थे फॉर द मोस्ट अवेटेड बोट सफारी। दिस बोट सफारी विल लास्ट टिल सनसेट एंड इफ़ यू आर लकी इनफ देन वी विल बी एबल टू स्पॉट सम ऑफ द फेमस स्पीशीज़ जो हम लोगों ने स्पॉट किया था। बट रॉयल बंगाल टाइगर मेन मोटिव है सब लोगों को देखना, बट नॉट एवरी वन इज़ लकी आउट दैट। सो एक्चुअली 12 घंटे का बोट राइड था, 10 to 12 hours की बोट राइड होती है। ब्रेकफास्ट और लंच हम लोगों ने बोट में ही किया था। इट वॉज सर्व्ड ओवर देयर एंड उस व्यू के साथ ब्रेकफास्ट और लंच करना बहुत ही अच्छा लगा। एंड वी वर लकी इनफ टू स्पॉट सम क्रोकोडाइल्स, डियर्स, देन सिवेट कैट्स, देन सम फैल्कन्स, पैरट्स। फिर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कुछ वाइल्ड लाइफ हम लोगों ने स्पॉट किए, मंकीज ऑल्सो। धीरे धीरे द बोट सफारी एंडेड टिल सनसेट। इस बोट सफारी में दे विल बी टेकिंग यू टू 3 watch towers, द दोबंकी, द सुधानिया खाली एंड साजने खाली। तो इन 3 वॉच टावर्स में आप लोगों को लेकर जाएंगे। इस वॉच टावर से आप लोग अगर चाहो तो यहाँ पे आप लोग रुक के देख भी सकते हो या फिर यू कैन स्किप। लाइक हम लोगों के बोट में जितने जन थे वी थॉट कि हम लोग ये पार्ट स्किप कर देते हैं बिकॉज वी वांटेड टू गो टू द कोर ऑफ सुंदरबंस, दैट्स वाई हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। बट इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गो टू द वॉच टावर्स एंड स्पॉट सम अदर स्पीशीज ऑल्सो। सो बाई दिस आवर डे 2 बोट सफारी एंडेड। बोट सफारी के बाद बोट सफारी एंडेड अराउंड 5:30। सो उसके बाद हम लोग आ गए एंड सनसेट इज़ रियली अमेजिंग टू सी फ्रॉम द बोट, आई मस्ट टेल यू। ड्यूरिंग सनसेट वी केम बैक टू आवर रूम्स एंड देन वी वर सर्व्ड विद सम चाय एंड पकौड़ा। एंड उस दिन रात को आवर टूर कंपनी हैज़ अरेंज्ड सम फोक डांस, बंगाली फोक डांस विद सम ट्रेडिशनल म्यूजिक सेशन फॉर अस। तो वो देखने के बाद देन वी हैड आवर डिनर, द डिलीशियस डिनर, एंड उसके बाद वी रिटायर्ड फॉर द डे। डे 3 में उतना कुछ नहीं है, सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है, विदिन 7 to 7:30 उठने के बाद देन अगेन वी वर सर्व्ड सम टी। फिर हम लोग फिर से निकले एक विलेज वॉक के लिए। फर्स्ट दिन हम लोग जो विलेज वॉक गए थे वो सनसेट के टाइम विलेज वॉक था, उस टाइम का अलग नज़ारा है, एंड दिस वाज लाइक द मॉर्निंग टाइम विलेज वॉक। तो इस टाइम का नज़ारा भी अलग है। यू विल फील गुड टू वॉक अराउंड द विलेज, टू सी द लोकल्स, टू सी द पीपल, टू टॉक। यू विल गेट टू फील अ डिफरेंट वाइब इन दैट प्लेस। तो वो आधे 1 घंटे की वॉक होती है। देन आफ्टर कमिंग बैक वी हैड अ ब्रेकफास्ट। फिर ब्रेकफास्ट के बाद अगेन वी टुक द फेरी एंड देन वी केम बैक डायरेक्टली टू गोदखाली। फिर गोदखाली से अगेन दे हैव अरेंज्ड अनदर बस फॉर अस। फिर वो बस लेकर हम लोग सीधे चले आए टिल कोलकाता। सो दिस वाज आवर 2 nights and 3 days आइटिनरी। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। और अगर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हुई कुछ भी समझने में, लाइक हाउ टू रीच एंड ऑल, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं आपको इसके बाद बता देती हूँ कि व्हाट वाज द ट्रिप कॉस्ट फॉर 2 nights and 3 days। हम लोग 2 नाइट के लिए गए थे। अगर आप चाहो तो 3 nights का भी कर सकते हो या फिर 1 night का भी कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप लोग लेजर तरीके से, रिलैक्स तरीके से सुंदरबंस घूमना चाहते हो देन इट्स बेटर कि आप लोग 2 nights और 3 days का ही टूर करें। एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड 5,500 पर पर्सन एंड इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, योर लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ऑल्सो द बोट सफारी एंड दी एकोमोडेशन। सो इजंट इट चीप? सो गाइज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आपको सुंदरबंस अच्छा लगा हो मेरे वीडियो में देन प्लीज़ do the trip with the company called Tour De Sundarbans. I found the trip cost, accommodation and everything included over here in this budget really very cheap. And also this is not a sponsored video. आपको लग रहा होगा that this is a sponsored video but no it's not. मुझे अच्छा लगा, मुझे personally अच्छा लगा, that's why I am sharing my experience with you all. और अगर आप लोगों को हमारे सुंदरबंस डिटेल ट्रिप के बारे में जानना हो तो आई एम लिविंग द लिंक ओवर हियर। और हम लोगों ने सुंदरबंस के ऊपर एक डिटेल ब्लॉग बनाया है, डू चेक आउट दैट। वो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्लीज़ वो चेक करना, तो फिर आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। और जिन लोगों ने हम लोगों का फर्स्ट ब्लॉग देखा है सो गुड, वेल एंड गुड। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कुछ भी अगर आपको जानना है एक्स्ट्रा या फिर कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी इस ब्लॉग में समझ में नहीं आया हो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। वी विल बी देयर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन बिकॉज अपकमिंग ऑल द ब्लॉग्स विल बी रियली इंटरेस्टिंग। अंटिल देन बाय, टेक केयर।